और नाक अरे बाप रे बाप दोस्त, ये इंटरनेशनल फ्रॉड गैंग की तरह लग रहा है। ठीक है, उसने तुम्हें अर्चना के सेल से फोन किया था ना? हाँ यार। हाँ, फिर हमें इसी वक्त वाइजैक के लिए रवाना होना चाहिए। वाइजैक? हाँ वाइजैक। हम दोनों वाइजैक के बीच में। और सफेद कोला को जलाने के लिए इतना मिला? कौन है पागल बेवकूफ, आज दीपावली मना रहा है? अरे ये दिवाली की गन नहीं, ये तो उसकी गन है। चलो 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 भागो। मिस्टेक। छुप जाओ छुप जाओ, और पीछा। चलो चलो इधर से। भाग 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 इस तरफ भाग भाग, जल्दी जल्दी भाग जल्दी भाग। तुम लोग कहीं भी भागोगे लेकिन मुझसे नहीं बच सकते। अरे रहीम कहाँ चल? अरे राम भाग भाग जल्दी कर। जल्दी यार भाई, भाई जल्दी तू तू भाई चलो चलो जल्दी चलो। Wherever you go, I will follow. Let's start. क्या हुआ सर? जस्ट ऐसे ही गिर गया। कैसे? बीच में डिवाइडर दिखाई दे रहा है? दिख रहा है। मुझे नहीं दिखा। तुम्हारी किस्मत। अरे बाप रे। ए, उनके आने का वक्त हो गया, सब रेडी है ना? कर दिया सर। सुनो जल्दी से अर्चना को तैयार करो। अरे बाप रे, आपको बहुत जल्दी है, वो तैयार हो रही है। लॉन में जाकर देखिए काम हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। एक्सक्यूज मी। नमस्कार। नमस्ते। अर्चना है क्या? आप कौन हैं? हम अर्चना की फ्रेंड है, हैदराबाद से आए हैं। आइए आइए, दाएं पर आगे बढ़ाओ, अच्छा होगा। आप लोग बैठिए, मैं अर्चना को भेजती हूँ। ठीक है बैठिए। हाय। हाय राम। मेरा नाम कैसे जानते हो? दीदी ने बताया था। जब से हैदराबाद से वाइजैक आई है तब से न्यूज रीडर की तरह घंटे घंटे तुम्हारे ही बारे में बात करती रहती है। मेरे बारे में कुछ नहीं बोली। बोली ना, राम के बाजू में हमेशा चिपक के रहने वाला है एक आदमी जिसका नाम है रहीम, और वो बेवकूफ है। गोवा से एक लड़की को उठाकर लेके आया था। क्या वो यही है? इससे ज्यादा बेवकूफ नहीं मिला था क्या? तुझे बहुत सयाना साला मिला है। नमस्कार। आप इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर? ये बात तो मुझे तुझसे पूछनी चाहिए। तू क्या रे, मेरी लवर को उठाकर ले जाने वाले की फोटो बनाने के लिए बोला तो तू यहाँ घूम रहा है? यहाँ क्यों घूम रहा है बे? हमारे रिश्तेदार की शादी है, इसलिए मैं अपने बॉस के साथ यहाँ आया हूँ। हैदराबाद जाते ही फोटो दे दूंगा सर। मार डालूंगा, पकड़ इसको। हेलो हेलो डार्लिंग, वो मिला? मिला था लेकिन वो भाग गया। But you don't worry, darling, मैं उसे पकड़ लूंगा। Darling, तुम कहाँ हो? मैं कब से वेट कर रही हूँ। अंजलि तुम कहाँ हो बताओ? तुम्हारी आवाज़ सुने कितने दिन हो गए, मैं अभी आता हूँ बताओ। हा? तुम हो? रहीम का सेल तुम्हारे पास कैसे? आहा, उसका नाम रहीम है। प्लीज रहीम को कुछ मत करना। करूँगा, उसकी मौत देखूंगा और उसे बचाने वाले उन दोनों को भी देखूंगा। फोन कट कर दिया उसने। मानने की बात कर रहे हैं सर। तू रुक रे, कौन है वो दोनों? मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। मुझे जो मिला उस बेवकूफ ने उन्हें बचाया। मैं उन दोनों को ढूंढ के रहूंगा। ढूंढने के लिए मैं कहाँ रहूं, कैसे रहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे साथ आइए सर, आप मेरे रिश्तेदारों के साथ रहिए सर। ओके, वो बोतल मार रख दिया। आप चल आइए आइए सर। फाइनल एंड लास्ट, मेरे पति का निवाला। कुछ भी हो मैं इसका पति हूँ, मुझे कितना प्यार करती है। सारा निवाला अपने नाम से चिल्लाया, आखिर तुम्हारे पति का है क्यों का? कुछ भी हो मेरे पति है, इनकी मैं ही नजर उतारूंगी तो इसकी उतारूंगी। नजर क्या, इतने दिनों के शादी के कभी तुमने अपने हाथों से खिलाया? मैंने कभी इनको खिलाया है क्या? ओके जूली, थैंक्स फॉर योर लंच। नहीं रहेगा तब मिलेंगे।
ये कार्ड यहाँ पर? ए मेरे दोस्त का है। ए सुनो, चुपचाप खाना खा के यहाँ से चले जाओ। हेलो, तुम्हें एक बात पता है? मैं भी इसी शादी में आया हूँ। डुप्लीकेट शादी में इसका आना? रॉबर्ट तेरा दोस्त है क्या? उसका नाम रॉबर्ट है क्या? मैं लड़की वालों की तरफ से आया हूँ। क्यों, शौक लगा ना? नहीं, दिमाग की सारी नसें आपस में फंस गई, मैं क्रैक हो गया। विश यू स्पीडी रिकवरी। थैंक यू। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर से पढ़, क्लियरली समझ में आएगा। करेक्ट। यही है अपना घर। मेरे प्लान के हिसाब से मैं जैसे कहता हूँ वैसा करोगे तो मैं करोड़पति का दामाद बन जाऊंगा। फिर बाद में मैं तुम्हें जो पैसे दूंगा उससे तुम आराम से जी सकते हो। कला परिपूर्ण, नाटक कीर्ति, कला सरताज, कला महर्षि, ये सभी उपाधि मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे बारे में तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे फादर के कैरेक्टर में मैं जीऊंगा और तुम्हारी सारी परेशानियों को हल करने की कोशिश करूंगा। डोंट वरी रामा, अब मेरा नाम रॉबर्ट नहीं रवि है। ओके, वो देखो, अर्जुना के फादर, मदर और उसका छोटा भाई। जरा तेज चलो ना। अर्चना का भाई इतना छोटा? बॉर्डर का मेजर है ना, इसीलिए इतना गैप आ गया। क्यों रे, मेरा बिग लगा। आप झुकिए। ओके माय डियर सन, मैं उस मेजर के पास जाकर तुम्हारी मैरिज का सेटलमेंट करता हूँ। थैंक यू डैड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रोसीड। चलता हूँ। क्या हुआ सर? हेलो, आर यू ओके? मैंने कहा था ना, वो एक्टिंग में ही नहीं बल्कि फिजिकल में भी वीक है। कमबख्त बैटिंग पे जाने से पहले ही रिटायर्ड हार्ट हो गया। मेरा एक ही इकलौता बेटा है साहब, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए जीना नहीं चाहता मैं अब इस दुनिया में। एक्टिंग। मास्टर जी, आपके बेटे को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? नो 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 नो, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, ही इज जेम। आप कौन है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर, आई एम एन टी रामेश्वर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। करोड़ों की संपत्ति है, कोई फायदा नहीं है। अपने बेटे की शादी एक संस्कारी लड़की से करने की सोच रहा हूँ, लेकिन कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा है मुझे। मुझे तो लगता है कि लड़कियाँ ही नहीं रह गई हैं। जाने दीजिए आप जैसे यंग कपल्स को, अपने दुख के बारे में मैं क्या बताऊँ। अच्छे रिश्ते ढूंढने में कितनी परेशानी होती है मुझे पता है भाई साहब। भाई साहब, एक बार फिर से पुकारो। ये क्या भाई साहब? सच कह रहा हूँ, इस तरह का शब्द सुने हुए सालों गुजर गए हैं मुझे। बहन, तुम्हारी जानकारी में अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझे बताकर मेरे ऊपर एहसान करो बहन। देखिए रंगाराव जी, मेरा नाम है शिखर, रिटायर्ड मेजर। दिस इज माई विजिटिंग कार्ड, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कीजिए। कॉन्टेक्ट में क्या कनेक्टिंग में रहूंगा, इस बार मैं तुम्हारी भाभी के साथ आऊंगा बहन। बाय, चलता हूँ। सब कुछ ठीक किया, लास्ट में तुम्हारी भाभी के साथ आऊंगा कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दिया, वो मुझे पसंद नहीं आया। कोटी, हु इज कोटी?